ने एक बार फिर यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने टेलीविजन चैनल स्पुतनिक को दिए एक इंटरव्यू में न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि यूक्रेन को किसी सूरत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता रहा है, ये एक बड़ा खतरा है और इसे रोकने की जरूरत है। यूक्रेन के पास अभी भी सोवियत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, लिहाजा रूस को इस खतरे का जवाब देना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, पश्चिमी देशों को पूर्व सोवियत संघ के देशों में सैन्य ठिकाने नहीं बनाने चाहिए। यूक्रेन की परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश को रूस रोकेगा। लावरोव ने यह भी कहा कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो यह विनाशकारी होगा और परमाणु युद्ध होगा। यह पहली बार नहीं है कि रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा था कि यदि किसी ने हस्तक्षेप किया तो उसका ऐसा नतीजा होगा जिसे इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.